सामाजिक सोच जो रखने वाले आदमी है उनको थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। अगर इस तरह वो बोलते हैं तो इनके सीनियर जो लोग इन पर कार्रवाई करें, इनको रोकें, इनको समझाएं। इस तरह की बात समाज को तोड़ने वाली बात नहीं बोलनी चाहिए। इंसानियत के संदेश इन लोगों को देने चाहिए। इसलिए साधु होता है वो बात इनको समझनी चाहिए। तो ज़्यादा तो जो खामियां नजर आती हैं इनके सीनियर लोगों पे, जो इनके ऊपर बैठे हुए हैं, इनकी सही तरह से जांच परख करें। अगर उस काबिल है तो उस लाइन में लाया जाए इनको, अगर नहीं तो नहीं लाना चाहिए। वही लोग जो समाज में थोड़ा चतुर लोग हैं ना, चालाक जो लोग हैं, समाज को गुमराह करना चाह रहे हैं, जो वास्तव में बात है, जो वास्तव में बात है, जो सच्ची बात है, उनको दबा के वो अपना टाइटल अपनी बात रखना चाहते हैं कि उनका प्रभाव रहे, उनकी बात को मान्यता मिले और समाज को मनमानी काम करें। मनुष्य को नहीं ला सकता, ये तो मिथ्या बात है, एक मिथ्या भाषण है कि हम राम को लाए। राम को लाया नहीं जा सकता, भगवान को कोई नहीं ला सकता। भगवान को अपने तरह से आते जाते हैं, अपने तरीके से आते जाते हैं। ये अपनी शान शौकत बढ़ाने के लिए कोई कुछ भी कह देगा, कोई प्रतिबंध नहीं है किसी पे भी, कहने का मतलब ये है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है बागपत में। महंगाई चरम पर है, दिन पर दिन पेट्रोल और सीएनजी के दाम बढ़ते जा रहे हैं। कहीं साधुओं के ऐसे बयान हमें सुनने को मिल रहा है जिससे समाज के अंदर नफरत का माहौल बना हुआ है, तो कहीं तो इन सब विषयों पर बात करने के लिए आज हम पहुंचे हैं बागपत। और हमारे साथ मौजूद है महाराज सुशील, तो उनसे ही तमाम विषयों पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि आज ही देश में इतनी महंगाई बढ़ रही है, किसको जिम्मेदार ठहराते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे उनका 24/7 में जी। देश में दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर से भी नवरात्रे खत्म हुए हैं, रमजान का महीना है, इस तरह से महंगाई जनता झेल रही, क्या कहना चाहेंगे? तो इसमें तो जिम्मेदारी भैया शासन की है, प्रशासन की है। जो लोग जनता चुन के भेज दिए जिन लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी व्यवस्था ठीक बनाने के लिए, वो लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते तो ये महंगाई बढ़ रही है, सब संतुलन खराब हो रहा है सबका सब। जिम्मेदारी तो इन लोगों की है जो शासन को चला रहे, जो कांग्रेस जो सरकार है, सरकार की जिम्मेदारी है कि इस पर ध्यान दे और पब्लिक की व्यवस्था के लिए जो उचित कदम उठाए जाए। बीजेपी सरकार है, कांग्रेस? हाँ, बीजेपी सरकार जो है, बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी है। पब्लिक चुन चुन के बार बार भेज रही है इनको, को पब्लिक की व्यवस्था के लिए इन लोगों को फोकस रखना चाहिए। पब्लिक के लिए क्या जरूरी है ये इनको विचारना चाहिए। हमारा यही विचार है कि इनको ध्यान देना चाहिए और जरूर ध्यान देना चाहिए। अभी सीतापुर के एक बजरंग मुनि है, साधु हैं, उनका एक वीडियो वायरल हुआ, वे कहते नजर आए उसमें कि महिलाओं को घर से निकाल के बलात्कार कर देंगे, ये कर देंगे, मुल्लों को काट देंगे। इस तरह से साधु के बेस में इस तरह की भाषा का प्रयोग करना और देश में एक नफरत का माहौल पैदा करना, इसको आप कैसे देखते हैं? सामाजिक सोच जो रखने वाले आदमी है उनको थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। अगर वो वास्तव में साधु हैं तो उन्होंने जो बोला बिल्कुल गलत बोला, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब उनकी सोच तो ये बता रही है कि वो साधु के भेष में कोई और है। अगर इस तरह वो बोलते हैं तो इनके सीनियर जो लोग इन पर कार्रवाई करें, इनको रोकें, इनको समझाएं। इस तरह की बात समाज को तोड़ने वाली बात नहीं बोलनी चाहिए। इंसानियत के संदेश इन लोगों को देने चाहिए। इसलिए साधु होता है वो बात इनको समझनी चाहिए। अब बगैर समझे कोई भी बात कहेंगे तो समाज के लिए अच्छी नहीं है, समाज के लिए अच्छी नहीं है, तो इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। 5 दिन हो चुके हैं लगातार इस बात को, FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन यूपी पुलिस अब तक गिरफ्तारी नहीं कर पाई, कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी भी देखने को मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे? बस मैं कहना चाहेंगे प्रशासन अपना जो है ना सही रवैया नहीं अपना रही है। अगर वो गलती की है और वास्तव में गलत किया तो पुलिस को एक्शन, प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वास्तव में जो साधु होते हैं, क्या इस तरह जिससे साधु कहा जाता है कि साधु कभी क्रोध नहीं करते, गुस्सा नहीं करते, अपने शिष्यों को अच्छी बातें बताते हैं, संस्कार की बातें बताते हैं, लेकिन अब जो नया माहौल देखने को मिल रहा है साधु की भड़काऊ भाषण के लिए जाने जाने लगे। एक कालीचरण महाराज का जो भी वीडियो वायरल हुआ था, वो जेल भी से छुटकर अभी आए हैं, उन्होंने महात्मा गांधी को ना जाने क्या क्या कहा था, ये कौन लोग, ये कहाँ से मतलब आना शुरू हो गए? असल में ये जो इनके सीनियर लोग हैं ना जी, सीनियर जो लोग हैं, ये थोड़ा इनके बारे में पूरी जानकारी नहीं करते, या इनका अपना अपना शासन रूल रेगुलेशन इनको रखना नहीं चाहते। तो ज़्यादा तो जो खामियां नजर आती हैं इनके सीनियर लोगों पे, जो इनके ऊपर बैठे हुए हैं, इनकी सही तरह से जांच परख करें। अगर उस काबिल है तो उस लाइन में लाया जाए इनको, अगर नहीं है तो नहीं लाना चाहिए। साधु तो बताया कि साधु तो सबके लिए होता है, सोशल मेकर होता है, समाज की व्यवस्था के लिए होता है, प्रभु का संदेश देने के लिए होता है। एक अच्छी व्यवस्था, एक सच्ची व्यवस्था के लिए साधु अपना कार्य करता है। जैसे एक संत ने कहा है कि वृक्ष कभी ना फल भके, नदी ना संचय नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। साधु पहले भी होते थे, उनके प्रमाण है, इतिहास है, उन्होंने समाज के लिए सराहनीय काम किए, उल्लेखनीय काम किए। जो साधुओं को काम करने चाहिए वही काम उन लोगों ने किए, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो बस दर्द का विषय यही है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं है और ये अपनी बात को समझ लें और समझाने में नाकाम है। पब्लिक मजबूर है, प्रशासन भी कुछ खास कदम नहीं उठाता जो इनके खिलाफ कार्रवाई होगा, या इनको इनकी बात बताई जाए, भाई तुम किस लिए फकीर हुए, किस लिए साधु हुए हो आप लोग, उस बात पर इन लोगों को आना चाहिए। अब ये शोमन आते नहीं है और इनके जो सीनियर लोग हैं उस पर विचार करते नहीं है, तो इसलिए सब ये अवस्था बनी हुई है।
जिस तरह से कुछ भी कह देते हैं साधु के बेस में आकर के ये लोग, और इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, इनसे फिर इनका हौसला बढ़ जाता है, आगे फिर इस तरह के बयानबाजी जारी रखते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही भी इसको कह सकते हैं। जी, प्रशासन की भी लापरवाही और उनके सीनियरों की भी लापरवाही है, दोनों की लापरवाही मानता हूँ मैं तो, सीनियरों की भी लापरवाही है और ये सरकार की भी लापरवाही है कि गलती जो भी करता है, अगर उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि उसका बल बढ़ेगा तो गलतियां करता ही रहेगा, और गलतियां करता रहेगा तो समाज व्यवस्था बनी रहेगी तो ये दिक्कत सब सामने आती रहेंगी। अच्छा, एक बार बताइए, जो जो नारा होता है जय श्री राम होता है या जय सिया राम होता है? असल में आप किसी भी संस्कृति पर जाइए, आप ये जो संस्कृति यहाँ बनी हुई है, सब लोग हम लोगों की बनाई हुई है, ईश्वर ने, खुदा ने, परमेश्वर ने जो बनाया है, उस बात को लेकर तो बहुत कम लोग संसार में विचर रहे, जी रहे, ये अपनी अपनी बात को लेकर जी रहे सब लोग। हमारा कहने का मतलब है कि नारा कोई भी रहे, लेकिन एक बात है कि मनुष्य को मनुष्य जोड़ना चाहिए, मनुष्य जो बना मनुष्य के लिए बना है जी, और इस जोड़ने का यत्न करना रहना चाहिए, एक अच्छा संदेश देना चाहिए, एक अच्छा मशवरा करना चाहिए, एक अच्छा विचार करना चाहिए। नारे के तो अभी आप संसार में जाइए, आप कोई भी, मेरे को नहीं लगता कि एक विषय में दो विचार ना हो, कोई भी एक विषय ऐसा नहीं बचा जिसमें दो तरह के पक्ष नहीं रखे जाते। अब कुछ लोग जय श्री राम कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं जय सिया राम है, लेकिन वास्तव में तो जय श्री राम है, ये जय श्री राम है। क्योंकि जब हम बचपन में फोटो देखते थे राम की जी, तो साथ में लक्ष्मण भी होते थे, सीता भी होती थी जी। आज के दौर में जो फोटो देखते हो तो राम अकेले धनुष ताने खड़े रहते हैं जी, तो ये क्यों बदलाव हुआ? भाई ये लोग जो समाज में थोड़ा चतुर लोग है ना, चालाक जो लोग है, समाज को गुमराह करना चाह रहे हैं, जो वास्तव में बात है जो सच्ची बात है उनको दबा के वो अपना टाइटल, अपनी बात रखना चाहते हैं कि उनका प्रभाव रहे, उनकी बात को मान्यता मिले और समाज में मनमाने काम करना। बीजेपी सरकार कहती है कि हम राम को लाए हैं जी, इसको क्या कहेंगे? अभी राम को ऐसे कैसे मान लिया जाएगा, राम को लाएंगे? राम आ भी गए तो राम है कहाँ? कोई दिखा सकता है उसको? कोई बता सकता है राम लाए नहीं? क्या कोई मनुष्य भगवान को ला सकता है? भगवान तो हम सबको लाए नहीं ला सकता, हम इसका समर्थन नहीं करते, भगवान को ना ला नहीं सकता कोई भी, वो तो स्वयं से आते हैं, स्वयं ही आते हैं, स्वयं ही चले जाते हैं, मनुष्य को नहीं ला सकता। ये तो मिथ्या बात है, एक मिथ्या भाषण है कि हम राम को लाए, राम को लाया नहीं जा सकता, भगवान को कोई नहीं ला सकता, भगवान तो अपने तरह से आते जाते हैं, अपने तरीके से आते जाते हैं। ये अपनी शान शौकत बढ़ाने के लिए कोई कुछ भी कह देगा, कोई प्रतिबंध नहीं है किसी पे भी, कहने का मतलब ये है कोई कुछ भी कर ले, कोई कुछ भी कह ले, कोई रोक टोक नहीं रह रही है समाज में आज के, कहने का मतलब ये है। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज आपका, हमने आपसे सभी मुद्दों पर बात की, फिर किसी दिन और चर्चा करेंगे। महाराज का कहना यही है, इस तरह के जो साधु के भेष में जो बयानबाजी करते हैं, देश में नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन को भी कार्रवाई करनी चाहिए, और जो उनकी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे किसी के छेंटर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।